हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च की सब्जी। दोस्तों शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 500 ग्राम शिमला मिर्च लिए हैं और इनको जो है लंबी लंबी लेयर के रूप में काट लिया है। आप चाहे तो अपने हिसाब से कैसे भी काट कट कर सकते हैं। और इसको पानी से बिल्कुल अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। उसके बाद हमने ये एक टमाटर लिया है जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। एक प्याज, 8 से 10 कलियां लहसुन की जिनको हमने बारीक पीस लिया है। और ये एक छोटी चम्मच हमने यहाँ पर मिर्ची पाउडर लिया है। ये 1.5 छोटी चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है। यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। और ये नमक लिया है, स्वाद के अनुसार डालेंगे। 1 बड़ी चम्मच सरसों का ऑयल लिया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए गैस को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गैस को हमने स्टार्ट कर लिया है और कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो चुकी है। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो ये देखिए तेल हमने कढ़ाई में डाल दिया है और तेल को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहें दोस्तों। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जीरा। देखिए जीरा डाल दिया है और जीरे को बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने तक पकाना है। तो फ्रेंड्स जीरा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। ये देखिए प्याज डाल दिए हैं और प्याज को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेल के अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, अब डालेंगे इसके अंदर मिर्ची, जो शिमला मिर्च है वो। ये देखिए शिमला मिर्च को फ्राई करना है तेल के अंदर। ये देखिए शिमला मिर्च को भी 4 से 5 मिनट तक तो जो है लगातार चम्मच को चलाते रहेंगे, जिसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मिर्ची फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्दी पक चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। टमाटर को मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, लहसुन का पेस्ट, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर ताकि मसाला जो है वो गर्म तेल के अंदर गले नहीं। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मसाले को बिल्कुल अच्छे से पकने देंगे। मसाले से खुशबू आने लगेगी, पक जाएगा तब। अब फ्रेंड्स इसके अंदर पानी डाल देंगे थोड़ा सा और। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। थोड़ा ही पानी डलता है मिर्ची, शिमला मिर्ची सब्जी में, क्योंकि ये सब्जी सूखी ही पड़ती है। तो ये देखिए, और अब 5 मिनट तक इसे ऊपर से ढक्कन लगाकर पकाएंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, शिमला मिर्च की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमने गैस को भी बंद कर दिया है। तो चलिए अब इस सब्जी को अलग बर्तन के अंदर निकालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, शिमला मिर्च की सूखी सब्जी बनकर, बिल्कुल मसालेदार सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।